बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, कल हम यूनिट नंबर 3 की रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपने स्टोरी एंजॉय की होगी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग करते हैं। तो चलें वर्ड मीनिंग देखते हैं। ओके, चलें इसको रीड करते हैं। अमेज्ड, हैरान हुआ। डिफ़िकल्टी, मुश्किल। एलिफेंट, हाथी। इनफ, काफ़ी। एक्सैक्टली, बिल्कुल ठीक। लिसनिंग, सुन रहा है। प्रॉब्लम, मसला या परेशानी। विलेज, गांव। वांडर्ड, आवारा फिरना। एंड वॉचिंग, देख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पेज नंबर 15 पे चलें। ओके, एक्सरसाइज ए इज आंसर द क्वेश्चंस। नंबर वन इज व्हाट केम इनटू द विलेज, गांव में कौन आया। आंसर इज एन एलिफेंट केम इनटू द विलेज, एक हाथी गांव में आया। नंबर टू इज हैड द विलेजर्स सीन एन एलिफेंट बिफोर, क्या गांव वालों ने पहले हाथी देख रखा था। आंसर इज द विलेजर्स हैड नॉट सीन एन एलिफेंट बिफोर, गांव के लोगों ने पहले हाथी को नहीं देखा था। नंबर थ्री इज व्हाट डिड द विलेजर्स वांट टू डू, गांव के लोग क्या करना चाहते थे। आंसर इज द विलेजर्स वांटेड टू वे हिम, गांव के लोग उसका वजन करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर फोर इज हु हैड अ गुड आइडिया, किसके पास अच्छा है आइडिया आया था। आंसर इज अ लिटल गर्ल हैड अ गुड आइडिया, छोटी लड़की के पास एक अच्छा आइडिया था। नंबर फाइव इज वेयर डिड द एलिफेंट गो, हाथी कहाँ गया। आंसर इज द एलिफेंट वेंट इन द बोट, हाथी बोट में गया। नंबर सिक्स इज व्हाट हैपेंड विद द स्टोन्स, द आंसर इज द पीपल वेटेड द स्टोन्स वन बाय वन ऑन द स्केल, कहते हैं स्टोन्स के साथ क्या हुआ। तो आंसर है लोगों ने स्टोन्स को एक एक करके उनका वजन किया स्केल पे। ठीक है, चलें बुक वर्क भी कर लेते हैं थोड़ा सा। पार्ट बी है क्विक पिक, ट्रू और फॉल्स। नंबर वन इज द एलिफेंट वॉज वेरी बिग, यस ट्रू। नंबर टू इज द पीपल वर सरप्राइज्ड, ट्रू। दे पुट हिम ऑन अ स्केल, फॉल्स। द गर्ल हैड अ गुड आइडिया, ट्रू। फाइंड द वर्ड्स, ठीक है हमने इनके वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं स्टोरी में से। अ डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी को कहते हैं प्रॉब्लम। स्मॉल टाउन, विलेज। फॉर वेइंग, वेइंग के लिए क्या होता है स्केल। स्मॉल रॉक्स कौन थी, स्टोन्स, ठीक है वो स्मॉल रॉक्स होती हैं। स्पेलिंग स्क्रैम्पल, ठीक है हमें स्क्रैम्पल वर्ड्स दिए हैं, हमने एग्जैक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। नंबर वन इज एलिफेंट, नंबर टू इज स्टोन्स, नंबर थ्री इज एनिमल एंड नंबर फोर इज विलेज। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर कॉपी पे करने हैं, ये बुक वर्क है, और साथ साथ लर्न करते जाएं। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़।